गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग साथ लेके आई हूँ एक ऐसी चीज जिसका आप दो बूंद डेली अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन ब्राइटन अप हो जाएगी, फेयर हो जाएगी, बहुत ज्यादा ग्लो आएगा स्किन के ऊपर। और इसको लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं, इवन टीनेजर्स भी इसको यूज कर सकते हैं। खास करके ये ब्राइडल्स के लिए है, अभी शादी सीजन है, हमारे घर पे भी शादी है, मेरी बहन की शादी है, तो उसी के लिए मैं आप लोग लेके आई हूँ। मेरे पास दो प्रोडक्ट है अभी यहाँ पे, फर्स्ट इज फ्रॉम कामा आयुर्वेदा एंड सेकंड वन इज फ्रॉम खादी। सो कामा आयुर्वेदा का रिव्यू मैं नेक्स्ट टाइम दूंगी अगर आप मुझे कमेंट में पूछेंगे तो, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ खादी कुमकुमादि तैलम के बारे में, ठीक है। तो ये खास ब्लेंड है, 100% नेचुरल ब्यूटी ऑयल है ये। कुमकुमादि ऑयल की आपने DIYs रेसिपी देखी होगी, बहुत सारे बहुत टाइम से ये मार्केट के अंदर है, हाइप अप है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, बट आई थिंक कि सभी लोगों ने इसको यूज नहीं किया होगा। मेरी पहले ऐसी कोई वीडियो है नहीं आई थिंक कुमकुमादि ऑयल पर, बट नलपमादि ऑयल पर है। जब मेरे पास प्रोडक्ट नहीं था मैंने थोड़ा बहुत आप लोग के साथ रिव्यू शेयर किया था कि कैसा वो प्रोडक्ट है, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट दिस इज फ्रॉम खादी। अगर मैं प्राइस की इसकी बात करूं तो इसके ऊपर 1275 रुपये लिखा गया, बट मुझे ये 900 रुपये में मिला है, जी हाँ। और मैंने इसको बाय किया अमेजोन से, फ्लिपकार्ट पर मैंने देखा था वहां पर 700 कुछ का था, बट मैं इसको बाय कर रही थी तो उसमें डिलीवरी चार्जेस अलग से ले रहे थे तो वो फिट नहीं बैठ रहा था, वो उतना ही कर दे रहा था जितना अमेज़न पे आ रहा था, तो मैंने अमेज़न से खरीदा इसको। मेरे को एक हफ्ता हो गया यूज करते हुए, उसके बाद मैंने पोस्ट डाला, देन आप लोगों से पूछा कि रिव्यू चाहिए नहीं, 3000 लोगों ने देखा और फिर उन्होंने बोला कि हाँ हमें रिव्यू चाहिए, तो तभी मैं इसके रिव्यू लेके आई हूँ। तो ये कुछ, पहले हम इसकी पैकेजिंग के बारे में जानेंगे कि कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ आता है, आप देख सकते हैं एम्बर जार ड्रॉपर पैकेजिंग होती है इसकी। अगर मैं ऑयल की बात करूं तो कोई खास फ्रेग्रेंस होती नहीं इस ऑयल के अंदर, जी नहीं, बस आपको थोड़ा सा अर्ब का फ्रेग्रेंस आएगा, एकदम येलो कलर का ऑयल निकलेगा, जी हाँ ऑयल ही निकलेगा, कंसिस्टेंसी ऑयल की ही है, हैवी ही है फेस के ऊपर, लाइक एकदम लाइट वेट ऑयल नहीं है, जैसे बायोब्लूम का लाइट वेट ऑयल आता है बिल्कुल उस तरीके का नहीं है, हल्का सा डेंसर ही है ये। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट की बात करूं तो ऐसे इसके अंदर ऐसे इतने ज्यादा इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं कि समझ में नहीं आएगा कि इसका DIY कैसे बन सकता है, बट जिनको पूरी नॉलेज होगी इस बारे में वो डेफिनेटली इसका DIY निकाल सकते होंगे भी। कैसे इसको यूज करना है, इसको एक से दो ड्रॉप आप ले लीजिए, पूरे फेस पर इवनली स्प्रेड कर दीजिए। देखो इसमें तो 5 ड्रॉप लिखे गए हैं, बट फर्स्ट टाइम जब ये मैंने लगाया तो मैंने 5 ट्राई किया, मेरा चेहरा बहुत ऑयली हो गया था, बस सेकंड टाइम मैंने अप्लाई किया जब मैंने 2 ड्रॉप लिया, नेक एंड फेस दोनों के लिए पूरा इनफ था। तो ये प्रीटी लॉन्ग चलने वाली चीज है, एकदम इसके ऊपर लिखा गया है 5 ड्रॉप लेंगे तो पूरा ऑयली हो जाएगा, खास करके अभी समर्स बहुत ज्यादा है इस वजह से। अच्छा, तो क्या करता है पहले एक बार इनका क्लेम की जानकारी देते हैं। यह है खादी कुमकुमादि तैलम जिसके अंदर 100% नेचुरल आयुर्वेदिक ब्यूटी रेजीम है ये, ट्रीटमेंट बोल सकते हैं इसको फॉर फेस ब्राइटनिंग एंड फेयरनेस, ठीक है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर आता है, प्रिस्क्राइब ये वही लोग करते हैं फॉर द फेयर कॉम्प्लेक्शन, स्किन टोन को ये इवन करता है। इसका यूनिक ब्लेंड जो है और हर्ब का यूनिक ब्लेंड है, हर्ब जो भी बोल लो आप, फॉर्मुलेटेड है स्किन को यंग बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, एक बहुत ही अच्छा ग्लो देने के लिए। अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो ये एंटी एजिंग भी होता है, स्किन की डलनेस को दूर करता है, ब्राइटन अप करता है, स्किन के रिपेयर करता है, पिगमेंटेशन को खत्म करता है, मिनिमाइज करता है आपके सारी फाइन लाइंस को, साइंस ऑफ एजिंग को, और आपके डार्क सर्कल्स को भी ये खत्म करता है। तो ये बहुत सारी चीजें करता है और इसके अंदर ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जिनको आप गूगल करेंगे तभी आपको पता लगेगा, क्योंकि नाम से तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है इंग्रेडिएंट, बट डेफिनेटली मैंने इसके अंदर जब गूगल किया तो कुछ ऐसे अर्क थे जो हम घर के अंदर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे उसके अर्क को। तो डेफिनेटली अगर आपके पास इतना टाइम नहीं कि उन सारे अर्क को कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, मैंने देखा इलायची वगैरह भी डाली हुई है किसी लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि वो एज रिजल्ट देगा जैसा कि ये देता है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली जगह पर बनाए जाते हैं, लाइक इनको पूरा डिटेल होता है, वहां के डॉक्टर्स बैठे रहते हैं, तब जाके ये इजाद किया गया होगा और ये बहुत ही पुरानी पद्धति है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है तो मुझे पता लगा है काफी सालों से ये यूज होता है आयुर्वेदा के अंदर।
अब बात करते हैं काम कैसे करता है। जब आप इसको फर्स्टली अप्लाई करेंगे तो आपको एक दो दिन में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस हल्का फुल्का ग्लो देखने को मिलेगा। बट जब आप ग्रेजुअली देखेंगे एक हफ्ते के अंदर, तो आपको दिखेगा कि आपके जो अंडर आई डार्क सर्कल है वो लाइटन होंगे, माउथ के आरिया के एरिया की जो डिस्कलरेशन है वो ठीक होगी। अब बात करते हैं फेयर की, तो ये गोरा नहीं बनाता है बट एक ह्यू देता है, येलोइश ह्यू, जो कि इंडियन परफेक्ट इंडियन कलर है, वो बहुत ही प्यारा जो ब्राइडल के ऊपर देखने को मिलता है आपको, वो ह्यू देता है आपको और एकदम स्मूथ सरफेस कर देगा। जो स्किन है वो बहुत आपकी स्मूथ देगी। मैं खासकर ध्यान देना चाहूंगी एक चीज पर कि ये गड्ढों को नहीं मिटाएगा बट आपके दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन को बहुत ज्यादा लाइटन अप करता है। तो फेयर वाला मैं इसका पार्ट हटा देती हूँ कि आपको गोरा बनाते हैं, बट ब्राइटन अप बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है आपके फेस को। जो भी लोग ग्लो 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 चिल्ला रहे होते हैं, जो बायोब्लूम इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, 1500 से ऊपर चला जाता है, वो प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। बट सेकेंडली ऑयल्स मुझे बहुत पसंद है मेरे फेस रिजीम में, तो मैंने ये ट्राई किया आप लोगों के लिए और मेरा पूरा रिव्यू इसके ऊपर ये है कि ये काफी अच्छा है लेकिन रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं देगा। ये बहुत जल्दी ना सहना, आप एक दिन अप्लाई करेंगे दो दिन अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ पता नहीं लगे, लगातार आपको हफ्ते में अप्लाई करना है। और एक चीज और मैं एड ऑन करना चाहूंगी, इसको लगाने के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाएं। अगर आप इसको डे टाइम में यूज कर रहे हैं तो इसको डे और नाइट दोनों में यूज कर सकते हैं, सब स्पेसिफिक नहीं है कि आप डे में यूज करें नाइट में भी यूज करें। अगर आप हल्का फुल्का मेकअप के नीचे ग्लो चाहते तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बट आप सनस्क्रीन जरूर लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट है जो धूप के कॉन्टेक्ट में आके आपके फेस को ब्लैक कर देगा, तो इस चीज का खासा ख्याल रखिएगा आप। तो ये बेनिफिट देने की जगह आपको आपको परेशानी देना स्टार्ट कर देगा, तो ये ना हो इसलिए आप सनस्क्रीन जरूर लगाए। खासकर ध्यान रखिए एसपीएफ 30 के अराउंड तो हो ही, ऐसा नहीं हो कि बीबी क्रीम के अंदर जो सनस्क्रीन होती है वही आप लगा के पूरा दिन निकल रहे, ऐसा नहीं, आप अलग से सनस्क्रीन लगाइएगा। तो ओवरऑल जो मेरा रिव्यू है वो है कि अगर जो लोग खरीदना चाहते हैं, जो लोग ब्राइडल हैं जिनके फेस पर डिस्कलरेशन बहुत ज्यादा है या फिर ग्लो नहीं है, डलनेस बहुत ज्यादा स्किन के ऊपर, खासकर ड्राई स्किन वालों के लिए, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, मेरी तरफ से थम्स अप है इस प्रोडक्ट को। अगर आपको लिंक देखना है या डिस्काउंटेड चीज चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट का भी डाल दूंगी मैं, क्योंकि वहां पर सस्ता था बट वो डिलीवरी चार्जेस ले रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अमेजोन से ही बाय करती हूँ इसको। और पैकेजिंग के नाम पे यही पैकेजिंग आएगी, कोई आउटर पैकेजिंग आपको मिलेगी नहीं, ऐसे ही ये रैप्ड अप होके आएगा आपके घर के ऊपर। और ये सर्टिफाइड है खादी, काफी सारे मार्क्स मोहर्स लगे हुए हैं यहाँ पे इनके। और क्वांटिटी में आपको बताना भूल गई थी, 12 ml की क्वांटिटी है तो 10 ml से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यही सी बात है, ये लंबा चलने वाला है क्योंकि ये 1 drop 2 drop ही लगेगा, 5 drop इसमें लिखा गया, तो प्लीज इस पर मत जाना, 5 मत लगाना, मैंने गलती की थी, पूरा चेहरा ऑयली ऑयली हो जाएगा खासकर के समर्स में। तो ये प्रिटी लॉन्ग चलने वाला है क्योंकि 1 to 2 drop पूरे नेक एंड फेस के लिए काफी होगा। तो आई होप आप सभी को ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा आपको नल पमादी का जो है काम आयुर्वेदा का वो उसका रिव्यू चाहिए या नहीं चाहिए, वो फुल बॉडी के लिए है खास करके ब्राइडल्स के लिए है, मेरा क्या मानना है इसके बारे में क्योंकि उसको भी प्रिटी 2 to 3 हफ्ते हो गए मुझे यूज करते हुए। तो मैं आप लोग साथ रिव्यू जरूर शेयर करना चाहूंगी, तो प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, बाय बाय।